दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हमने दो कोर्स डिजाइन किए हुए हैं जो कि 1 साल वैलिडिटी के साथ और 6 महीने वैलिडिटी के साथ है। इसमें आपको वीडियो कोर्स के साथ साथ पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और काउंसलर द्वारा इसका सॉल्यूशन मिलेगा। यूट्यूब पे आप प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को सिस्टमेटिकल ऑर्डर से भी देख सकते हो, और अगर पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहो तो आप हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल को डाउनलोड कर लें। इसके अलावा फ्री नोट्स अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो आप हमारी एप्लीकेशन के जो 3 डॉट है उसमें आपको स्टडी मटेरियल का ऑप्शन मिलेगा, यहां से आप फ्री नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के साथ हम आप बच्चों को पब्लिक फाइनेंस का पूरा कोर्स स्टार्ट करा रहे हैं। कई जगह इसको पब्लिक इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं, कई जगह इसे पब्लिक फाइनेंस के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी तरीके की तैयारी जहां पे पब्लिक फाइनेंस या पब्लिक इकोनॉमिक्स आपके सिलेबस में है, तो उसके हिसाब से पूरा का पूरा कोर्स कंटेंट आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले यही बता देता हूं कि पब्लिक फाइनेंस होता क्या है। देखिए, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ऐसे ही एक और इकोनॉमिक डेवलप हुई जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड कामों को एक तरीके से ब्रॉडली एक्सप्लेन करने के लिए बनाई गई, जिसको कि हम पब्लिक फाइनेंस के नाम से जानते हैं। बेसिकली अगर हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की बात करें तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने गवर्नमेंट के रोल को बहुत ही लिमिटेड माना। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का काम केवल एक तरीके से सुरक्षा करना है, देश की रक्षा करना है और एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम है। लेकिन समय बीतने के साथ साथ गवर्नमेंट का जो रोल है वो किसी भी इकोनॉमी में लगातार इंक्रीज देखने को मिला। अगर हम बात करें केंजियन इकोनॉमिस्ट की, तो केंजियन इकोनॉमिस्ट ने मंदी और से निकलने के लिए, यानी कि रिसेशन से निकलने के लिए, गवर्नमेंट के रोल को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में देखोगे तो विश्व के हर देश में गवर्नमेंट का बहुत ही इफेक्टिव रोल है, यानी कि किसी भी इकोनॉमी को कंट्रोल करने में, या आप कह सकते हो किसी भी इकोनॉमी की डायरेक्शन डिसाइड करने में गवर्नमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो पब्लिक फाइनेंस इकोनॉमिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो ये बताती है कि गवर्नमेंट कहां कहां से रेवेन्यू इकट्ठा करेगी और कहां कहां से खर्चा करेगी, जिससे कि हमारा जो गोल है सोशल वेलफेयर को मैक्सिमम करना, उसका अचीवमेंट हो सके। तो यहां पे डेफिनेशन एक बार आप चेक कर लीजिए, हमने लिखा हुआ है कि पब्लिक फाइनेंस इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं उनको कंसिडर करने के लिए जो इकोनॉमिक्स है उसको बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस। इसमें मजग्रेव की डेफिनेशन आप बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अ कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रॉब्लम द सेंटर अराउंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट इज रेफर टू द ट्रेडिशनली एज अ पब्लिक फाइनेंस। यानी कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो गवर्नमेंट की बातें हैं उसी को पब्लिक फाइनेंस की हम बात करते हैं। बच्चों, पब्लिक फाइनेंस का स्कोप, यानी कि पब्लिक फाइनेंस के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है या क्या क्या चीजें पब्लिक फाइनेंस के अंदर आती हैं, एक बार वो हम ओवरव्यू जरूर कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट का इनकम और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर पब्लिक रेवेन्यू का या पब्लिक फाइनेंस का एक सब्जेक्ट मैटर है। तो क्या क्या चीजें इसके अंदर आती है, सबसे पहला आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट कहां कहां पैसा खर्च करती है। देखिए, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को हम कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसके अलावा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, इसके अलावा प्लांट एक्सपेंडिचर, नॉन प्लांट एक्सपेंडिचर, और भी कई तरीके के एक्सपेंडिचर में हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पब्लिक फाइनेंस में जो पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब सबसे पहले का मतलब ऑर्डर साइड चेंज हो सकता है, और पब्लिक एक्सपेंडिचर की कौन कौन सी थ्योरीज हैं, कौन कौन से इसके कैनन्स हैं, क्या क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं, ये तमाम चीजें हमें इसके अंदर पढ़नी होती है। इसके अलावा दूसरा होता है बच्चों टैक्स, पब्लिक रेवेन्यू। अब रेवेन्यू करने के दो तरीके, एक तो टैक्सेस हो गया, दूसरा नॉन टैक्स हो गया। नॉन टैक्स भी कई तरीके के होते हैं, फीस है, इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो कई प्रकार की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है जिनके लिए वो पैसे चार्ज करती है, इसके अलावा फाइनल पेनल्टी है, गिफ्ट है, ग्रांट है, डोनेशन है, ये सारी की सारी चीजें आपके पब्लिक रेवेन्यू में आ जाती हैं। इसी तरीके से टैक्सेस के अंदर डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और टैक्स रिलेटेड कई सारे प्रिंसिपल्स हैं, कई सारी इनकी थ्योरीज हैं, कई सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी होंगी। यानी कि टैक्स का इंपैक्ट क्या पड़ेगा, टैक्स का इंसिडेंस क्या पड़ेगा, लोग करों से कैसे प्रभावित होते हैं, कर पड़ने से लोगों की काम करने पर क्या असर पड़ता है, वर्क करने पर क्या असर पड़ता है, ये तमाम चीजें आपको पब्लिक फाइनेंस के में पढ़नी पड़ती हैं। इसके अलावा बच्चों पब्लिक डेट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। पब्लिक डेट का मतलब है सरकार ने अपने लिए लोन ले लिया, सरकार की जरूरतें पूरी होती नहीं है, अब सरकार कहां कहां से लोन ले सकती है,
कौन कौन से इंटरनल सोर्स है, कौन कौन से एक्सटर्नल सोर्स है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसकी क्या प्रिंसिपल्स है जिसके बेस पे सरकार टैक्स लेती है, पब्लिक डेट लेती है, पब्लिक डेट को वापस करने का क्या प्रोसेस रहेगा, ये सारी की सारी चीजें आपको इसके अंदर पढ़नी पड़ेंगी। इसके अलावा फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी का मतलब है गवर्नमेंट जो पॉलिसी बना रही है उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा रेवेन्यू से रिलेटेड। इसके अलावा फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसी बनाई है, क्या क्या उसका इंपैक्ट हुआ है, क्या क्या उससे मतलब गवर्नमेंट जो है उसका रोल फिस्कल पॉलिसी का क्या पड़ेगा वो आपको समझना है। इसके अलावा फिस्कल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि गवर्नमेंट किस तरीके से पैसा इकट्ठा करती है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, फाइनेंस कमीशन जैसे इंडिया में बनता है, यानी कि ये सारी की सारी चीजें पब्लिक फाइनेंस का सब्जेक्ट मैटर है। यानी कि पब्लिक फाइनेंस के अंदर बेसिकली जो भी आपका कंसर्न टॉपिक रहता है वो गवर्नमेंट की एक्टिविटी से रिलेटेड रहता है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे गवर्नमेंट कौन कौन सी गुड्स प्रोवाइड कराती है, गवर्नमेंट क्यों प्रोवाइड कराती है, मार्केट इनएफिशियंसी क्यों प्राप्त होता है, या मार्केट इनएफिशियंसी जिस कंडीशन में होती है उसमें गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, ये सारी की सारी बातें हम अपने वीडियो के माध्यम से, हम अपने टॉपिक के माध्यम से आप बच्चों को डिटेल में समझाएंगे। तो बच्चों ये सारे के सारे पब्लिक फाइनेंस के सब्जेक्ट मैटर है। और इसके अलावा बच्चों पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस भी होता है। देखिए प्राइवेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस में अंतर हम एक बार कर लेते हैं। हालांकि आपको पता होगा कि भाई मेरे पास जो पैसा है इनकम और एक्सपेंडिचर वो प्राइवेट फाइनेंस है और गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो पब्लिक फाइनेंस है। प्राइवेट फाइनेंस का मतलब है रिलायंस के पास कहां से पैसा आएगा, कहां जाएगा, या मेरे पास पैसा कहां से आएगा, कहां जाएगा, ये तो प्राइवेट फाइनेंस की बात कर रहे हैं। पब्लिक फाइनेंस का मतलब जो गवर्नमेंट का पैसा कहां आएगा, कहां जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल से कुछ पॉइंट है जिनके बारे में मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। पब्लिक फाइनेंस की बात करें तो पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर एक्टिविटीज, बिल्कुल सिंपल हो गया। प्राइवेट फाइनेंस का मतलब है किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की या प्राइवेट कोई एंटिटी है उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर कहां से आ रहा है, उसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनेंस। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव जो है वो पब्लिक वेलफेयर को मैक्सिमम करना होता है, वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। और इसके अलावा जो प्राइवेट फाइनेंस है उसका मतलब होता है प्राइवेट वेलफेयर को मैक्सिमम करना या आप कह सकते हो प्रॉफिट मोटिव कमाना, दोनों तरीके के इसके ऑब्जेक्टिव आप बोल सकते हो। बजट की बात करें तो गवर्नमेंट हमेशा अपना जो बजट है वो डेफिसिट बजट अपनाती है, लेकिन जो इंडिविजुअल है वो हमेशा चाहता है कि उसका बजट जो है वो सरप्लस में बना रहे। यानी कि गवर्नमेंट हमेशा डेफिसिट बजट को प्रेफर करती है और इंडिविजुअल जो है या प्राइवेट जो फाइनेंस में जो व्यक्ति बजट बना रहा है वो चाहता है कि उसका बजट जो है वो सरप्लस में बना रहे। इसके अलावा मोटिव ऑफ एक्सपेंडिचर जो है वो बेसिकली पब्लिक बेनिफिट होता है, जबकि इनका जो बिजनेसेस आउट या इंडिविजुअल का जो मोटिव होता है एक्सपेंडिचर करने का वो प्राइवेट बेनिफिट या प्रॉफिट कमाना होता है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कंसिडरेशन की बात करें तो गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है वो लॉन्ग टर्म की बनाती है, जबकि जो प्राइवेट फाइनेंसर है या प्राइवेट इन्वेस्टर है वो जो पॉलिसी बनाते हैं वो शॉर्ट टर्म की बनाते हैं और क्विक रिटर्न मिले। गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट करती है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए होता है। देखिए रोड जैसे गवर्नमेंट ने प्लान बनाया कि बुलेट ट्रेन इंडिया में चलेगी, तो ऐसा तो नहीं कि आज प्लान बनाया कल मेट्रो बुलेट ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी, उसमें बनाने में 10 साल लगेंगे, ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है। तो इस तरीके का जो एक्सपेंडिचर है वो प्राइवेट सेक्टर कर ही नहीं सकता, इसीलिए गवर्नमेंट ही इस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा बच्चों गवर्नमेंट जो है वो पहले डिसाइड करती है कि उसे कहां क्या क्या खर्चा करना है, मतलब एक तरीके से कितना उसे खर्चा करना है, और खर्चा डिसाइड करने के बाद वो इनकम के सोर्स ढूंढती है। लेकिन प्राइवेट में पहले इनकम के सोर्स ढूंढे जाते हैं, उसके बाद खर्चा करने का प्लान बनाया जाता है। तो बच्चों बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, ज्यादा इसके अंदर कोई जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इंपॉर्टेंस की बात करें कि आखिरकार पब्लिक फाइनेंस का एक डेवलपिंग कंट्री में क्या रोल होता है, इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में क्या फायदा है पब्लिक फाइनेंस का या पब्लिक का। तो सबसे पहले रिमूविंग इनइक्वलिटी, यानी कि देखिए भारत जैसे देश में जहां गरीब और अमीर का जो अंतर है वो बहुत बड़ा है, डिफरेंस बहुत बड़ा है, इनइक्वलिटी ऑफ वेल्थ बहुत ज़्यादा है, उस देशों में गवर्नमेंट जो है वो इनइक्वलिटी को रिमूव करने के लिए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम का यूज़ करती है। इसका मतलब जो अमीर व्यक्ति है उस पर ज़्यादा टैक्स लगेगा, गरीब व्यक्ति पे कम टैक्स लगेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर के माध्यम से गरीबों की मदद करने का पूरा प्रयास करती है। तो ये सारे तरीके हमें बताते हैं कि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव जो है डेवलपिंग कंट्री में खासतौर पर वहाँ पर इनइक्वलिटी को कम करना होता है। इसके अलावा बच्चों इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करना भी गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए किसी भी इकोनॉमी में रिसेशन और बूम आएंगे, आते रहे हैं, आते रहेंगे, लेकिन गवर्नमेंट का जो उद्देश्य है वो है एंटी रिसेशन और एंटी इन्फ्लेशन पॉलिसी का यूज करना। यानी कि जिस समय देश में महंगाई चल रही है, इन्फ्लेशन चल रहा है, वहां पर गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का यूज कर सकती है, यानी कि कम से कम एक्सपेंडिचर करना और ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलना, ताकि लोगों के पास पैसा
सरकार के पास आ जाए। इसी तरीके से अगर मान लीजिए डिफ्लेशन की कंडीशन चल रही है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रिसेशन के मतलब डिफ्लेशन की कंडीशन का मतलब ये हुआ कि मंदी है, इसका मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक एक्सपेंडिचर करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब है कम से कम टैक्स वसूलेगी। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको कवर करने हैं। इसके अलावा डेवलपिंग वेल स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर पैसा खर्च करेगी। अब इंडिया में देखो बहुत सुंदर रोड बने हुए हैं, अच्छे रोड बनने का प्रयास किया जा रहा है। हर जगह आप देखोगे बड़े बड़े हाईवे बनाने की बात चल रही है, बन चाहे हुए बड़े बड़े हाईवे। जैसे मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूं, तो दिल्ली से मैं अच्छे अच्छे हाईवे हैं जो एक शहर को दूसरे शहर से कनेक्ट करने का काम करते हैं, और भी हाईवे बन रहे हैं। तो इस सब के लिए इन्वेस्टमेंट की, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, रिटर्न आसानी से मिलता नहीं है, बहुत लंबे समय बाद 10 साल 15 साल 20 साल बाद ब्रेक इवन आता है। तो इस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का काम है वो गवर्नमेंट ही करती है। इसके अलावा एक्सपोर्ट बढ़ाने में के लिए बहुत जरूरी है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प की जाए, उनके लिए इस तरीके की पॉलिसी बनाई जाए। तो ये भी गवर्नमेंट की ही काम है, जिससे कि एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ सके, इस तरीके का माहौल क्रिएट करना ताकि एक्सपोर्टर जो है वो विदेशों में अपना एक्सपोर्ट कर सकें। ये सारा का सारा काम पब्लिक फाइनेंस के माध्यम से ही होता है। इसके अलावा इंक्रीजिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि गवर्नमेंट टैक्सेशन सिस्टम के माध्यम से लोगों को सेविंग करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अब इंडिया की बात करें तो 1.5 लाख रुपये तक की कमाई, अगर 1.5 लाख रुपये तक की आप सेविंग करते हो तो आपको सेक्शन 80C के अंदर आपको टैक्स में रिबेट मिलती है। और इसी तरीके से गवर्नमेंट अगर कहती है कि अगर आप मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड बाय करते हो तो आपको एडिशनल 20,000 का आपको सेविंग हो जाएगी। यानी कि गवर्नमेंट एक ओवर, अच्छा दूसरा ये भी तरीका है कि गवर्नमेंट जैसे आप सेविंग कर रहे हो तो सेविंग के पैसे को इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस में लगा दे। तो ये सारे गवर्नमेंट के ही काम है बच्चों। एलोकेशन रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड फेयरली, देखिए प्राइवेट सेक्टर हमेशा एफिशिएंसी की तरफ जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर फेयरनेस की तरफ जाता है। इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको सिंपल तरीके समझा देता हूं। मान लीजिए सपोज हम प्रोडक्शन कंजम्पशन कर्व ले लेते हैं, यूटिलिटी कर्व कह सकते हो। अब मान लीजिए ए व्यक्ति है, ए पॉइंट दिखा रहा है कि जो व्यक्ति उसको 10 यूनिट मिल रही है एक्स वाई की, यानी कि ए की यूटिलिटी है, जबकि जो बी व्यक्ति है, यानी कि यहां पे ए मान लेते हैं यहां पे बी मान लेते हैं, उसको 0 गुड्स मिल रही है। तो ये जो ए है ये एफिशिएंट है, एफिशिएंट पॉइंट है, लेकिन फेयरनेस नहीं है, इसने फेयरनेस को लॉस कर दिया। फेयरनेस को लॉस क्यों कर दिया, क्योंकि देखिए इसके पास 10 की 10 गुड्स पहुंच गई, इसके पास तो एक भी गुड्स नहीं आई। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव केवल एफिशिएंसी को अचीव करना नहीं होता, बल्कि फेयरनेस को भी अचीव करना है। देखिए आपको अगर आप इंडिया की बात करें तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन मिलता है। अब क्या रिजर्वेशन जरूरी है या नहीं जरूरी, लेकिन हो सकता है आप कह सकते हो कि एफिशिएंसी को रिजर्वेशन नहीं अचीव करता, लेकिन फेयरनेस को तो अचीव करता है। यानी कि वो तबका जिसको वास्तव में जरूरत है, चाहे वो एससी एसटी को हो या ओबीसी हो, यानी कि हालांकि हो सकता है कि कुछ ऐसे भी लोग हों जो क्रीमी लेयर में आते हैं और वो इसका बेनिफिट उठा रहे हैं, लेकिन जो इसका मूल ऑब्जेक्टिव है वो तो यही है कि एफिशिएंसी की जगह हमें फेयरनेस अचीव हो। यानी कि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव एफिशिएंसी तो होता ही है, लेकिन एफिशिएंसी चाहे वो सेक्रीफाइस कर दे, लेकिन फेयरनेस को गवर्नमेंट कभी सेक्रीफाइस नहीं कर सकती है। इसी तरीके से बैलेंस डेवलपमेंट इन इकोनॉमी, यानी कि गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव इकोनॉमी को बैलेंस करना होता है, यानी कि हमेशा इकोनॉमी की ग्रोथ बनी रहे, बैलेंस ग्रोथ बनी रहे, ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने आपको समझाया। यहां पे हमने आपको एक कुछ फंक्शंस भी बताए गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट के फंक्शन है, गवर्नमेंट जो जो काम करती है, कुछ पॉइंट्स वाइज हम आपको बता देते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहला है मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। देखिए सबसे पहला काम है गवर्नमेंट का लॉ ऑर्डर को मेंटेन करना, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी राइट की सुरक्षा करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ऐसा माहौल तय करना जिससे कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो सके। मान लीजिए मैं मोबाइल खरीदने जा रहा हूं, मोबाइल खरीदने के बाद मोबाइल पर मेरा हक हो, प्रॉपर्टी राइट डिफाइन हो, इस सबके लिए जरूरी है गवर्नमेंट का एग्जिस्ट होना। बिना गवर्नमेंट के, बिना लॉ एंड ऑर्डर के कोई भी इकोनॉमी ग्रोथ कर ही नहीं सकती। तो गवर्नमेंट का पहला काम है इकोनॉमी को ऐसी कंडीशन देना जिसके माध्यम से गवर्नमेंट जो है वो अपने एक तरीके से पूरी की पूरी इकोनॉमी को, इंटरनल को और एक्सटर्नल दोनों जगह से हमारी देश की सुरक्षा हो सके। इसके अलावा राइजिंग टैक्सेस, देखिए राइजिंग टैक्सेस का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव अपने टैक्सेस को इंक्रीज करना है, और इंक्रीज इसलिए करना होता है क्योंकि
अगर गवर्नमेंट सारा का सारा पैसा नोट छाप के निकालेगी तो महंगाई बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट को बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी पड़ती हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने पड़ते हैं, इन सब के लिए फंड की जरूरत है। फंड कहाँ से आएगा? फंड टैक्सेशन से आएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट टैक्सेशन का जो बेस है वो इंक्रीज करने का हमेशा प्रयास करती रहती है। इसके अलावा प्रोवाइडेड पब्लिक गुड्स, ऐसी बहुत सारी गुड्स होती हैं जिनको प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं कराता, रोड नहीं कराएगा, पार्क नहीं बनाएगा, डिफेंस के इक्विपमेंट नहीं बनाएगा, सड़क पे रोशनी नहीं लगाएगा, इस तरीके की गुड्स जो कि पब्लिक गुड्स होती हैं उनको प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की ही होती है। बच्चों पब्लिक गुड्स के ऊपर एक पूरा का पूरा टॉपिक हमने डिस्कस किया हुआ है, उसमें आप पब्लिक गुड्स के बारे में आप डिटेल में जानकारी कर लोगे। इसके अलावा बच्चों इनइक्वालिटी को कम करना भी गवर्नमेंट का एक फंक्शन है, यानी कि गवर्नमेंट टैक्सेशन के माध्यम से, एक्सपेंडिचर के माध्यम से अपने ऐसी पॉलिसी बनाने का प्रयास करती है जिससे कि इनइक्वालिटी में कमी देखने को मिले। इसके अलावा रिड्यूस मार्केट फेलियर, देखिए मार्केट फेलियर का मतलब है कि जहां पे डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस सही से रिसोर्सेज को एलोकेट नहीं कर पाते, एफिशिएंसी को अचीव नहीं कर पाते, ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट की जरूरत होती है। यानी कि गवर्नमेंट मार्केट फेलियर का मतलब ये नहीं है कि मार्केट काम नहीं कर रही है, मार्केट फेलियर का मतलब है कि डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस काम नहीं कर रहे, जो एफिशिएंसी को अचीव करना चाहिए था डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस को वो अचीव नहीं कर पा रहे, इसीलिए गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है ताकि ऐसी जगह काम किया जा सके जहां पे मार्केट के फोर्सेस काम नहीं कर रहे। बच्चों एक्सटर्नलिटीज, ये मार्केट फेलियर के ऊपर हमने एक पूरा का पूरा चैप्टर बनाया हुआ है, आप आने वाले वक्त में उसके बारे में डिटेल में जानकारी ले पाओगे। इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है, यानी कि देश के अंदर आर्थिक स्थिरता बनी रहे, रोजगार की स्थिति अच्छी बनी रहे, महंगाई दर नीची बनी रहे, इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट बना रहे, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट के हैं। और गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से, मॉनिटरी पॉलिसी के माध्यम से इन्हें कंट्रोल करने का प्रयास करती है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखने की कोशिश करती है। इसके अलावा बच्चों नेशनल डिफेंस, ये तो देखिए हमने आपको बिल्कुल समझा दिया, लॉ एंड ऑर्डर तो इंटरनल पार्ट हो गया, नेशनल डिफेंस एक्सटर्नल पार्ट हो गया, यानी कि देश की सुरक्षा सबसे बड़ा काम है गवर्नमेंट का। देखिए रूस यूक्रेन युद्ध आपने देख ही लिया, किसी भी देश में अगर प्रॉपर्टी है, मकान है, घर है, बिल्डिंग है, सब कुछ आपके पास है, लेकिन देश की सुरक्षा नहीं है, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, तो इसका मतलब सब कुछ बेकार है। इसीलिए देश के अंदर परमाणु बम की भी जरूरत है, इसीलिए देश के अंदर मिसाइल्स की भी जरूरत है। सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट रोड बनाने पे खर्च नहीं कर सकती है, हमें अपने देश के जो जवान हैं उनकी सुरक्षा की भी जरूरत है, उनको ब्लड प्रूफ जैकेट की भी जरूरत है, हमें फाइटर प्लेन की भी जरूरत है, क्योंकि देश सुरक्षित नहीं होगा तो हम भी सुरक्षित नहीं रह सकते। इसीलिए नेशनल डिफेंस गवर्नमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा बच्चों रेगुलेट लेबर मार्केट, देखिए लेबर मार्केट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि आमतौर पर जहां पर जैसे भारत जैसे देश में जहां पर एक्सेस सप्लाई होता है लेबर का, वहां पर उनको वेज बहुत कम मिलता है, इसीलिए गवर्नमेंट लेबर मार्केट को रेगुलेट करती है ताकि लेबर के एक्सप्लोटेशन को रोका जा सके और उसको कम से कम उतनी सैलरी तो मिले जिससे कि वो अपने लाइफ को सब्सटेंस लेवल पे लेके आ सके। इसके अलावा बच्चों प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की सुरक्षा करना भी देश सरकार की जिम्मेदारी है। अगर गवर्नमेंट अपना ये रोल प्ले नहीं करेगी तो कोई भी पराली जलाएगा, कोई भी रात को 12 बजे भी डीजे चला सकता है, बोलेगा मेरी प्रॉपर्टी है, मैं अपने घर में डीजे चला रहा हूँ। इसीलिए देश के जो प्रॉपर्टी है, देश की जो जिस पे किसी का राइट नहीं है, जो पर्यावरण है, एनवायरमेंट है, उसकी प्रोटेक्शन करना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो बच्चों ये सारे के सारे पॉइंट है, हालांकि आप इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट आपके दिमाग में आते तो आप उसको भी जोड़ सकते हो, लेकिन मोर ऑर लेस मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि पब्लिक फाइनेंस होता क्या है, हमें गवर्नमेंट की क्या जरूरत है, गवर्नमेंट का क्या रोल है। अगले चैप्टर से बच्चों हम आपको पब्लिक फाइनेंस का जो टॉपिक है उसको आगे कंटिन्यू कराते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कंसेप्ट एटलीस्ट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।